इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको डिसलेक्सिया के बारे में बताया था कि डिसलेक्सिया क्या है और इससे प्रभावित बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। आज हम कुछ ऐसे प्रसिद्ध लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें डिसलेक्सिया रहा है, और इनके बारे में जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी इस नोशन को, ये लोग हमारी इस नोशन को, हमारे इस विचार को उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उस विचार को ध्वस्त कर देते हैं कि जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वे अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि डिसलेक्सिया को कंट्रोल किया जा सकता है, और जो भी बच्चे डिसलेक्सिया से प्रभावित हैं वो आगे चलकर अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यदि आप के बच्चे को या आपके आसपास जो बच्चे हैं उनमें से किसी को भी डिसलेक्सिया है तो इससे बिल्कुल भी निराश ना हो, आप उनके उपचार की ओर ध्यान दें, इस समस्या को कंट्रोल करने की ओर ध्यान दें, और ये बहुत हद तक संभव है कि वो बच्चा अपने जीवन में एक बहुत अच्छा नागरिक बने और बहुत अच्छी उपलब्धियाँ हासिल करें। तो जो लोग डिसलेक्सिया से प्रभावित रहे हैं उनकी सूची बहुत लंबी है, ऐसे प्रसिद्ध लोग उनकी सूची बहुत लंबी है, लेकिन इस सूची की शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टाइन से करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक होने का पर्याय बन गए अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हों अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उनको मैं ये बता सकता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वे एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। E=mc² नाम की जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इक्वेशन है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध समीकरण है, उसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही की थी। फिर इसके बाद पाब्लो पिकासो के बारे में हम बात कर सकते हैं। वो एक आइकॉनिक पेंटर रहे हैं। हमेशा अब जिस तरह से आइंस्टाइन एक किस्म से एक साइंटिस्ट का पर्याय बन गए, उसी तरीके से पाब्लो पिकासो एक पेंटर का पर्याय हो गए हैं। तो जब कभी भी कोई पेंटिंग करता है तो लोग मजाक में ऐसे कह देते हैं, अरे तुमने क्या पिकासो की तरह पेंट किया है। तो पाब्लो पिकासो को भी डिसलेक्सिया था। फिर लियोनार्डो डा विंची को भी डिसलेक्सिया था, ऐसा माना जाता है। डिसलेक्सिया का जो आइडेंटिफिकेशन है वो 1881 में हुआ था, लेकिन उससे पहले के जो लोग रहे हैं, लियोनार्डो उससे पहले थे, तो उनके बारे में जो लिखित सामग्री उपलब्ध है उसके ऊपर ये अनुमान लगाया गया कि लियोनार्डो को भी डिसलेक्सिया था। अब लियोनार्डो के बारे में तो क्या कहें, वो एक पॉलीमैथ थे। उनकी मतलब इतनी ज़्यादा उनकी योग्यताएं थी, विशेषताएं थी कि उनकी सूची बनाना ही डिफ़िकल्ट हो जाए। बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन जिस काम के लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, मोनालिसा नाम की पेंटिंग के लिए लियोनार्डो को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, इस वक्त लोग उनको जानते हैं। तो मोनालिसा जैसी पेंटिंग को पेंट करने वाला व्यक्ति लियोनार्डो डा विंची एक अपने बचपन में डिसलेक्सिया से प्रभावित था। फिर इसके बाद टॉम क्रूज की बात कर लीजिए, एकदम हैंडसम हॉलीवुड गाय, एक एक्टर जिसके ऊपर करोड़ों लोग जान छिड़कते हैं, मिशन इम्पॉसिबल जैसी और टॉप गन जैसी फिल्मों के वो हीरो रहे हैं। टॉम क्रूज को भी एक समय में डिसलेक्सिया था, और फिर आप जानते ही हैं कि वो कितने पूरी दुनिया में फेमस एक एक्टर बने। रिचर्ड ब्रैंसन, जो कि ब्रिटेन के एक बहुत जाने माने उद्योगपति हैं, उनको भी डिसलेक्सिया रहा है। फिर इसके अलावा स्टीवन स्पीलबर्ग को भी डिसलेक्सिया है। स्टीवन स्पीलबर्ग कौन है? अगर आपने जुरासिक पार्क देखी है तो
तो आपको पता होगा कि स्टीवन स्पीलबर्ग जुरासिक पार्क जो फिल्म है और उसके बाद जो जुरासिक पार्क की जो अगली किश्तें आई उनके वो डायरेक्टर रहे हैं। इसके अलावा स्टीवन स्पीलबर्ग ने और बहुत सारी बहुत ही शानदार फिल्मों की डायरेक्शन की है, जिसमें सेविंग प्राइवेट रियान मेरी ख़ास तौर पे एक मुझे पसंद है ये फिल्म। फिर स्टीवन स्पीलबर्ग के बाद सूची बहुत लंबी है, तो मैं एक्चुअली अपने टैबलेट से आपको केवल कुछ ही नाम बता पाऊंगा देखकर, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूची वास्तव में बहुत लंबी है। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली को देखिए, स्पोर्ट्स की दुनिया में मोहम्मद अली शायद सबसे बड़ा आइकन माने जाते हैं। वो एक हैवीवेट बॉक्सर थे और उन्हें भी डिसलेक्सिया था। एन बैनक्रॉफ्ट एक एक्ट्रेस थी, ब्रिटिश एक्ट्रेस थी। मैंने अभी कुछ दिन पहले द एलिफेंट मैन की जो आपको कहानी सुनाई थी, उस फिल्म में जो 1981 की शायद वो फिल्म थी, उस फिल्म के अंदर मैच किम्बल का जो किरदार था वो एन बैनक्रॉफ्ट ने ही निभाया था। तो आपने अभी तक अगर एलिफेंट मैन फिल्म नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है। फिर इसके बाद स्टीव रेडग्रेव को भी डिसलेक्सिया था, जो कि रोइंग के मामले में, रोइंग एक खेल होता है जिसमें नौका चलाई जाती है, तो उस खेल में स्टीव रेडग्रेव का जो नाम है वो समझिए कि एक लेजेंड के तौर पर फेमस है। वो इस खेल के शायद सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और वे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट तो हैं ही। खैर, फिर इसके बाद हमारे पास और बहुत सारे नाम हैं, देखते हैं कि वॉल्ट डिज्नी जिन्होंने मिकी माउस कैरेक्टर को बनाया और जो डिज्नीलैंड है उस डिज्नीलैंड के निर्माता हैं वॉल्ट डिज्नी। जिम कैरी को भी डिसलेक्सिया था। जिम कैरी एक कॉमेडियन एक्टर है हॉलीवुड में और उनकी कुछ फिल्में बहुत ही अच्छी हैं, ब्रूस अलमाइटी और एक फिल्म है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट, लायर राइट। सो मैं भी भूल जाता हूँ चीज़ों को, तो जिम कैरी की फिल्म लायर मुझे बहुत पसंद है, आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर उसको देखिएगा। फिर वूपी गोल्डबर्ग एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनको भी डिसलेक्सिया था। फिर जॉन लेनन द बीटल्स म्यूज़िक ग्रुप के एक पार्ट थे, उनको भी डिसलेक्सिया था। और फिर गाय रिची को भी डिसलेक्सिया था। फिर इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, मैं केवल उन्हीं लोगों के नाम आपको बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि शायद आपको मालूम होंगे, ज़्यादा जाने माने लोग। जॉन एफ केनेडी, जॉर्ज वाशिंगटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये तीनों अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और इन तीनों को भी डिसलेक्सिया था। तो मेरे ख्याल से इतने सारे लोगों के बारे में बताने के बाद अब इस बारे में कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चे, इंडिविजुअल्स, अपने जीवन में आगे बढ़ के बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। वे आइंस्टाइन बन सकते हैं, वो मोहम्मद अली बन सकते हैं, स्टीवन स्पीलबर्ग बन सकते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन बन सकते हैं, वूपी गोल्डबर्ग बन सकते हैं, टॉम क्रूज बन सकते हैं और जाने क्या क्या बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सो अगर आपके बच्चे को, आपको लगता है कि उसे डिसलेक्सिया के सिम्टम्स हैं, अगर आपको डिसलेक्सिया के सिम्टम्स नहीं मालूम हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने ये पूरी जानकारी दी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ये सिम्टम्स हैं तो आप इसके बारे में टीचर्स से, साइकोलॉजिस्ट से, स्पेशल एजुकेटर से, डॉक्टर्स से सलाह लीजिए ताकि उस बच्चे को
एकदम सही गाइडेंस मिल सके और इस समस्या का जो प्रभाव है उसको नियंत्रित किया जा सके। मेरे अगले वीडियो तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।